आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 3.2। अब यहाँ पर रूट 3 जो है वो 1.732 दिया हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में रूट 2 की वैल्यू दी हुई थी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो ऐसे ही करेंगे जैसे पिछली बार वाला क्वेश्चन करा था, सेकंड थर्ड वाला, उसमें क्या करा था कि रूट 2 के फॉर्मेट में ले लिया था, इसमें रूट 3 में ले लेंगे। 3 × 9 27 होता है, प्लस 3 × 25 75 होता है, प्लस 3 × 36 108 होता है, माइनस 3 × 81 243 होता है, खत्म। क्या करना है, ये 3 अंदर रहेगा, इस 9 का जो रूट होगा 3, भाई 9 का रूट क्या होता है, 3 × 3 फॉर्मेट है ना, तो 3 × 3 = 9 हो गया, उसके पेयर बन गए, पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, वो 3 तो यहां आ गया, अंडर रूट में ये 3 अंदर रह गया, ठीक है, ये वाला थ्री अंदर रह गया, इस 9 का एक 3 बाहर आ गया, प्लस ये वाला 3 अंदर रह गया, इस 25 का एक 5 बाहर आ गया, क्योंकि 5 5 = 25 होता है, पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं। रूट 3 अंदर रह गया, ये वाला 36 का 6 बाहर आ गया, क्योंकि 6 6 = 36 होता है, माइनस रूट 3 अंदर रह गया, 81 का 9 बाहर आ गया, क्योंकि 9 9 = 81 होता है, जैसे ही 9 9 करेंगे तो एक 9 बाहर आ जाएगा, 6 6 = 16 6, 5 5 = 85 और 3 3 = 13, वो मैंने यहां पर डायरेक्टली लिख दिए, आप चाहें तो एक्सपेंड भी करके कर सकते हैं। अब सबके साथ रूट 3 है तो रूट 3 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचा एक ये 3, एक ये प्लस 5, एक ये प्लस 6 और एक ये माइनस का 9, हमारे पास बचा रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 3 8 6 14, 14 में से 9 गया, बचा 5, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5√3, ठीक है, जो हो जाएगा 5 × 1.732 जो हमें वैल्यू दी हुई थी, और वो हमें क्या आंसर देगी, वो हमें आंसर देगी 8.660, ठीक है, 5 × 2 = 10 0, 5 3 = 15 16 1, 5 7 35 36 3, 5 1 = 5 8.660 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो ये हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हो जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लें, मैं यहीं पर जो है वो सेकंड पार्ट कर देता हूं, इसका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो है वो बात आ जाती है सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट को भी रूट 3 के फॉर्मेट में ले लेंगे, ये 5 बाहर है तो बाहर ही रहेगा, अंदर हो जाएगा 3 4 = 12, माइनस का 3 बाहर है तो बाहर ही रहेगा, अंदर हो जाएगा 16 3 = 48, प्लस का 6 बाहर है तो बाहर ही रहेगा, अंदर हो जाएगा 25 3 = 75, प्लस 7 बाहर है तो बाहर ही रहेगा, अंदर हो जाएगा 36 3 = 108, ठीक है। अब क्या करना है कि ये 5 बाहर है, ठीक है, अंदर अंदर तो ये अंडर रूट 3 रहेगा, इस 4 को अगर आप एक्सपेंड करोगे अंदर तो 2 2 = 4 हो जाएगा, एक पेयर बन जाएगी, 2 बाहर आ जाएगा, जब इस 4 का 2 बाहर आएगा तो वो इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां हो जाएगा 5 2 = 10, तो ये हो जाएगा 10√3 माइनस, ठीक है, ये वाला रूट 3 अंदर ही रहेगा, इस 16 को अगर हम 4 4 = 16 करेंगे, पेयर बन जाएगी, तो 4 बाहर ले लेंगे, जब 4 बाहर ले लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगी, यहां हो जाएगा 4 3 = 12, प्लस ये रूट 3 अंदर ही रहेगा, ये 25 का एक 5 बाहर निकल आएगा, 5 5 = 25 में से जो बाहर आएगा वो इस 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये रूट 3 अंदर ही रहेगा, 36 का जो 6 6 = 36 करेंगे हम, और पेयर बना के 36 की एक 6 बाहर लेंगे, वो इस 7 से मल्टीप्लाई होकर 42 हो जाएगा। अब ये सारे के सारे रूट 3 के फॉर्मेट पे आ गए जो हमें चाहिए था। अब हम रूट 3 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में 10 बचा ये, माइनस 12 बचा ये, प्लस का 30 बचा ये, और प्लस का 42 बचा ये, रूट 3 बचा, ठीक है, अब 42 और 30 72 72 और 10 82 82 में से 12 गया तो बचे 70, इसे हम लिख सकते हैं 70√3, जो हमें देगा 70 × 1.732, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू पुट अप कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 121.24।
इसे मल्टीप्लाई करके 121.24 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आपको रूट दिया हो और उसकी वैल्यू दी हुई हो, एक्सपेंड करके उसको उसी फॉर्मेट में ले लें और फिर सबसे आखिर में उसकी वैल्यू पुटअप करें और सीधा आंसर निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।